गुड मॉर्निंग, फिर से स्वागत है आपका मुकेश कोचिंग क्लासेस इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड माय डियर इतना पावरफुल चीज है कि अगर आप एक बार इसको बिल्कुल अच्छी प्रकार से देख लिए तो एग्जाम में आपको बहुत सारा वर्ड मीनिंग अपने आप याद हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या होता है कि आप इतना ज्यादा वर्ड मीनिंग याद करके जाओगे ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप बहुत सारा वर्ड मीनिंग याद कर लो। लेकिन रूट वर्ड हमारे पास एक ऐसा साधन होता है, एक ऐसा आप कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट ये रूट वर्ड है, जिसके द्वारा आप बहुत सारे वर्ड मीनिंग को खुद ब खुद प्रोड्यूस कर सकते हो, खुद ब खुद डेवलप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आइए बिना टाइम लॉस किए सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको इसमें से थोड़ा बहुत रेडिकुलस के माध्यम से बताते हैं और थोड़ा बहुत रूट वर्ड के माध्यम से बताते हैं, कैसे समझिएगा। जैसे एक मेरे पास रूट है साइनो, और साइनो का मतलब होता है कुत्ता। आप थोड़ा थोड़ा चलते चलिएगा, याद करते चलिएगा, साइनो का मतलब होता है कुत्ता और एलुरु का मतलब होता है बिल्ली। एलुरु बोले तो बिल्ली होती है, कैट होती है, गेटो मतलब भी कैट होती है, बिल्ली होती है। देखिए कैसे याद कीजिएगा एलुरु को, अगर आप भूल गए सर एलुरु का मतलब मुझे नहीं आता ऐसा। देखिए, जैसे कि आप जब कभी भी किचन में खाना बनाते हो या कहीं पे भी खाना बनाते हो तो आपकी मम्मी क्या कहती है, आपका भाई कहता है देखो 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 एलू रे, यहाँ पे देखो एलू है, एलू एलू एलो रे, एलो मतलब आना जी, ठेठ हिंदी समझो आप, एलू मतलब आना, एलू रे, रे बोलो या रो बोलो, एलो रे बिल्ली मौसी एलो, आप ऐसा बोलते हो ना, एलो रे बिल्ली मौसी एलो रे, तो बिल्ली मौसी आई तो एलोरो का मतलब होता है बिल्ली। देखिए, गेट पे बिल्ली आएगी सिंपल, तो गेट यहाँ पे लगा हुआ है तो गेटो मतलब ही बिल्ली, यानी बिल्ली कहाँ पे आती है तो गेट पे आती है। देखिए, एपीओ, एपी मतलब पता होगा आपको, एपी कल्चर होता है ना, तो एपी कल्चर आपको पता होगा मधुपालन वाला जो होता है, मधुमक्खी का पालन, तो एपी जो वर्ड है ये रिलेटेड है आपको मधुमक्खी से, तो ये आप मधुमक्खी याद कर लीजिए कि एपी का मतलब होता है मधुमक्खी। और डेमो, जैसे कि आप इसको जानते हो माय डियर, देखिए एक डेमोक्रेसी होता है अपने यहाँ, डेमोक्रेसी आप नाम सुने होंगे, तो क्या है, दोनों रूट वर्ड है। कैसे समझिए, देखिए डेमो का मतलब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो लोग, और क्रेसी का मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हो शासन। शासन बोलिए या तो तंत्र बोलिए या सिस्टम बोलिए, तीनों एक ही चीज है माय डियर। तो डेमो का मतलब लोग, क्रेसी का मतलब शासन या तंत्र या सिस्टम। यहाँ पे देखिए हम क्रेसी लिखे हुए हैं, तो क्रेसी का मतलब क्या होगा माय डियर, यहाँ पे क्रेसी का मतलब हो जाएगा तंत्र, तंत्र या शासन या सिस्टम को हम लोग क्या कह सकते हैं, क्रेसी। तो लोगों के द्वारा किया गया शासन को डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी लोकतंत्र इसे कहते हैं। तो डेमो का मतलब आपको अभी अभी बता दिए लोग, या तो लोग यानी कि बहुत सारे पीपल। पायरो का मतलब आग होता है, याद रखिएगा पायरो का मतलब आग। थियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से थीस्ट और एथिस्ट भी निकल के आता है, आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है थियो जानना, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में खास करके ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट कर चुके उन्होंने। थियो का मतलब याद रखिए भगवान, थियो बोले तो भगवान। और यहाँ पे देखिए मैं एडो है, एडो का मतलब हवा होता है, और हाइड्रो, हाइड्रो रिलेटेड है वाटर से, पानी से, तो इसका मतलब पानी होता है या वाटर होता है। तो आप याद रखिएगा, देखिए साइनो बोले तो डॉग कुत्ता, एलोरो बोले तो बिल्ली कैट, इसके बाद देखिए जरा एपीओ बोले तो मधुमक्खी बी, डेमो बोले तो लोग पीपल, पायरो बोले तो आग फायर, ओके थियो बोले तो गॉड भगवान, एलोरो बोले तो एयर वाइन हवा, और हाइड्रो बोले तो वाटर पानी। तो ये सारा आपको रूट वर्ड याद करना है। अभी आपको सिखाएंगे कि कैसे एक रूट वर्ड को दूसरे रूट वर्ड से जोड़कर केवल मेरे पास इतना कम वर्ड मीनिंग में बहुत सारा वर्ड मीनिंग आप बना सकते हैं। समझिए, देखिए यहाँ पे मेरे साइड है, और साइड का मतलब होता है हत्या करना, मर जाना, यानी कि साइड का मतलब आप रिलेटेड है ये कैसे से, हत्या से। तो ये देखिए साइड मतलब हत्या होता है, मेरे हत्या बोले तो साइड। यहाँ पे फोबिया है, फोबिया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत सारा तो आपको हम ऑनलाइन जो वीडियो देने वाले हैं वो फोबिया रूट से ही देने वाले हैं। तो फोबिया का मतलब होता है डर, या किसी भी चीज से अत्यधिक डर, फालतू का डर, बिना कोई मतलब का डर।
वो कहा जाता है फोबिया वर्ड। उसी का जस्ट एंटो होता है मेनिया। मेनिया मतलब होता है पैशन या लगाव, किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव को, पैशन को मेनिया कहा जाता है। आप इसको फिलहाल लगाव ले सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली अगर किसी से आपको लगाव है उसमें मेनिया का यूज किया जाता है। फिली का मतलब प्रेमी होता है, कोई चीज आप बहुत ज्यादा अच्छा लगता है फिली यूज कीजिए, फिली वर्ड यूज कीजिए। और मिसो फिली का जस्ट उल्टा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे फिली मतलब प्रेमी, मिसो मतलब होता है घृणा करने वाला या हेट करने वाला, घृणा करने वाले को हम लोग मिसो कहते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, मैंने यहाँ पे सोरेली लिखा हुआ है। सोरोरी जो वर्ड है वो रिलेटेड है बहन से, सिस्टर से। और मैट्री मतलब माता होती है, पैट्री बोले तो पिता, फ्रैट्री बोले तो भाई, रेजी बोले तो राजा, और जेनो बोले तो अनजान। ये अनजान से रिलेटेड है। इतना रूट वर्ड आप याद कर लोगे माय डियर, बहुत सारा वर्ड मीनिंग बनेगा। कैसे अब वर्ड मीनिंग आपको बनाना सिखाते हैं, सीखिए देखिए। एक व्यक्ति कहता है सर मेरे पास वर्ड है साइनो, साइनो में देखिए साइड लगा दें तो साइनो साइड बनेगा, तो साइनो साइड में तो हो जाता है कुत्ता का हत्या करना। तो कुत्ता का हत्या करना क्या हो जाएगा, साइनो साइड। अगर साइनो में फोबिया लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, साइनोफोबिया। और साइनोफोबिया मतलब हो जाएगा कुत्ता से डर। ठीक इसी प्रकार से माय डियर देखिए हम नीचे आपको दिखा रहे हैं, साइनो में अगर मेनिया लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा साइनोमेनिया, और साइनो का मतलब कुत्ता, मेनिया का मतलब लगाओ, तब कुत्ता से लगाओ को क्या कहा जाएगा, साइनोमेनिया। अगला देखिएगा माय डियर, ये यहाँ पे फिलहाल यूज नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं है, साइनोक्रेसी यूज नहीं होगा। आप अगर कभी किसी को गाली के रूप में इसको यूज करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे नहीं कहा जाता अरे यहाँ के तो सब राजा सबके सब, सब मतलब बिल्कुल सब चोर है, सब भ्रष्ट है, तो कह सकते हो साइनोक्रेसी, सब कुत्ता लोग है, सब कुकुर लोग है, सब गाली दे सकते हो। बट ये कोई वर्ड नहीं बनेगा फिलहाल। आइए देखिए एलोरो से बनाते हैं। एलोरो मतलब बिल्ली, तो एलोरो साइड मतलब बिल्ली की हत्या करना, एलोरो फोबिया मतलब हो जाएगा बिल्ली से डर। अगर आपको बिल्ली से डर लगती है तो आपको अंदर जो है, आपके अंदर जो है एलोरोफोबिया है माय डियर, एलोरोफोबिया, एलोरोफोबिया। गेटोफोबिया भी हो सकता है बिल्ली से डर, यानी द फियर ऑफ कैट। एपियो मतलब मधुमक्खी, और एपियोफोबिया मतलब मधुमक्खी से डर। डेमो मतलब लोग, डेमोफोबिया मतलब लोगों से डर। पायरो मतलब आग, पायरोफोबिया मतलब आग से डर। थियो मतलब भगवान, और थियोफोबिया मतलब भगवान से डर। बच्चे कहते हैं भगवान से कैसे डर है, अरे डरवाते जी लोग आपको, मंगल ग्रह, ये ग्रह, वो ग्रह, ये दोष, वो दोष, आप डर जाते हो। डर ही तो है, ये जो डर है आपके अंदर भगवान से ना, इसी को कहा जाता है थियोफोबिया। कैसे देखिए ना, बड़ा आसान है। आपको अभी बोले थियो मतलब क्या होता है, भगवान। थियो बोले तो गॉड, भगवान। अब प्लस इसके साथ आप फोबिया जोड़ दो ना, तो थियोफोबिया क्या हो गया, भगवान से डर लगना को क्या कहा जाएगा, थियोफोबिया। एक बच्चे कहते सर फोबिया जब मेनिया जोड़े तो भगवान से लगाओ, सिंपल, क्योंकि मेनिया मतलब लगाओ, फोबिया मतलब डर, तो थियो मतलब भगवान, थियोमेनिया मतलब भगवान से लगाओ, पायरोमेनिया मतलब आग से लगाओ, डेमोमेनिया मतलब लोगों से लगाओ, और एपियोमेनिया मतलब हो जाएगा मधुमक्खी से लगाओ को एपियोमेनिया कहते हैं। गेटोमेनिया मतलब कैट से लगाओ, बिल्ली से लगाओ, एलेरोमेनिया मतलब भी बिल्ली से लगाओ, साइनोमेनिया मतलब कुत्ता से लगाओ। अगर देखिए आइडो है, आइडोफोबिया, आइडो के साथ अगर फोबिया जुड़ जाए तो आइडो मतलब हवा, और फोबिया मतलब डर, तो एलेरोफोबिया मतलब हो जाएगा हवा से डर, हवा से डर को एलेरोफोबिया कहते हैं माय डियर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमेशा यूज होता रहता है। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर, यानी पानी से डर या पानी का डर को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। और फोबिया जब मेनिया लगाएगा तो लगाओ हो जाएगा, जैसे हाइड्रोमेनिया मतलब पानी से लगाओ, एरोमेनिया मतलब आइरो बोले तो हवा से लगाओ, थियोमेनिया मतलब भगवान से लगाओ। बहुत सारे लोग भगवान से लगाओ होते हैं, जैसे आप पंडित हो, ये हो, या बहुत ज्यादा भगवान में बिलीव करने वाले हो, ठीक है, तो उसको माय डियर भगवान से बहुत ज्यादा बिलीव करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, थीस्ट कहते हैं। थीस्ट ये भी देखिए थियो से रिलेटेड है,
यानी आस्तिक और एथिस्ट मतलब क्या होता है नास्तिक, इसके पहले ए लग गया तो एन टू आ गया, एन टू मतलब उसी का विरोधी उल्टा, थिस्ट का उल्टा क्या होगा एथिस्ट होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दो दो चार दो छह दो आठ एक नौ, नौ में हम लोग एक दो तीन यानी नौ दो अठारह होते सत्ताईस वर्ड मीनिंग बना लिए, केवल नौ वर्ड मीनिंग से दस या बारह से सत्ताईस बना लिए, और भी बना सकते हैं। देखिए कैसे समझिएगा माय डियर, इस तरफ देखिए मेरे पास क्या है साइड हत्या करना सोरोरी, अगर सोरोरी के साथ साइड जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा सोरोरी प्लस साइड इक्वल टू सोरोरी साइड, सोरोरी साइड मतलब हो जाएगा बहन का हत्यारा या बहन के हत्या करना को सोरोरी साइड कहा जाता है। अगला देखिए मैट्री, मैट्री मतलब माता साइड मतलब हत्या, तो मैट्री के साथ अगर साइड जुटेगा तो ये बनेगा मैट्री साइड, मैट्री साइड बोले तो माता का हत्या करना। इस वजह से पैट्री मतलब पिता, तो पैट्री साइड मतलब क्या हो जाएगा पिता का हत्या, पिता का हत्या को हम लोग पैट्री साइड कहेंगे। फ्रैट्री मतलब भाई प्लस साइड जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा भाई का हत्या, भाई का हत्यारा। और रेजी मतलब राजा, रेजी में साइड जोड़िएगा तो यह बन जाएगा रेजी साइड यानी राज हत्या या राज हत्यारा, राज हत्यारा को रेजी साइड कहेंगे। जेनो मतलब अनजान होता है, बिल्कुल अनजान, और अनजान व्यक्तियों के साथ अगर साइड जुड़ जाए तो जेनो साइड मतलब हो जाएगा अनजान की हत्या, अनजान की हत्या, तो अनजान की हत्या को हम लोग जेनो साइड के नाम से जानेंगे मैं क्या। तो इस प्रकार से केवल साइड जोड़ने से हमारा अलग अलग वर्ड भी नहीं मिल गया। अब अगला चीज जोड़ के देखते हैं फोबिया, सोरोरी फोबिया, हालांकि वर्ड कोई बनता नहीं है बट आप अगर समझना चाहो तो ऐसे समझो कि बहन से डर, मैट्री फोबिया माता से डर, पैट्री फोबिया पिता से डर, पैट्री फोबिया भाई से डर, मेनिया मतलब लगाओ तो सोरोरी मेनिया मतलब बहन से लगाओ, मैट्री मेनिया मतलब माँ से लगाओ, पैट्री मेनिया मतलब पिता से लगाओ, फैट्री मेनिया मतलब भाई से लगाओ, ऐसा मतलब होता नहीं है एग्जैक्टली में बट हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से रूट को जोड़ा जाता है। देखिए अगला देखिए रेजी, अब यहाँ पे देखिए फोबिया जोड़िए था, रेजी फोबिया मतलब की राजा से डर, क्योंकि रेजी मतलब राजा, फोबिया मतलब डर, और मेनिया मतलब लगाओ, तो रेजी मेनिया मतलब राजा से लगाओ, ये रेजी मेनिया होगा। रेजी फोबिया भाई ये राजा से डर, राजा से डर को रेजी फोबिया कहेंगे। रेजी साइड बता दी आपको राजा की हत्या। मीसो मतलब होता है देखिए मैं घृणा करना, और इधर हम देखिए जेनो मतलब लिखे अनजान, कोई मीसो जेनिस्ट है, या आप वर्ड सुने होंगे मीसो गाइनिस्ट, मीसो गाइनिस्ट सुने होंगे, एक मूवी भी आया था मीसो गाइनिस्ट। तो मीसो गाइनिस्ट मतलब होता है औरत से द्वेष करने वाला या औरत से नफरत करने वाला, क्यों, क्योंकि मीसो का मतलब होता है घृणा करना, और यहाँ पे जो गाइन लिखा हुआ है ना ये होता है औरत, क्योंकि गाइनो जी वाई एनो गाइनो औरत से रिलेटेड है माय डियर औरत, जैसे गाइनोसाइड यानी औरत की हत्या करना। ओके एक चीज और देखिए गाइनो क्रेसी भी होता है औरत का तंत्र, क्रेसी मतलब तंत्र बताया आपको, तो गाइनो क्रेसी हो सकता है। और एक और होता है देखिए माय डियर जेनो, जेनो मतलब अनजान, जेनो मतलब अनजान। एक युक्सो होता है, युक्सो मतलब होता है स्वयं की पत्नी, स्वयं की पत्नी को युक्सो कहा जाता है। तो जैसे युक्सो साइड मतलब क्या हो जाएगा स्वयं की पत्नी की हत्या करना, और गाइनो साइड मतलब औरत की हत्या करना, औरत में कोई भी औरत हो सकती है, लेकिन गाइनो का मतलब कोई भी औरत, बट युक्सो मतलब खुद की औरत, तो युक्सो साइड मतलब खुद की पत्नी को मारना को युक्सो साइड कहा जाएगा। किसी भी औरत को मारना, किसी भी स्त्री को मारना को गाइनो साइड कहा जाएगा। और मीसो गाइनिस मतलब था औरत से घृणा करने वाले लोग या औरत से घृणा करने वाला व्यक्ति को मीसो गाइनिस के नाम से कहेंगे। एगो देखिए मैंने गाइनो से ही एक वर्ड होता है, जैसे कि गाइनो मतलब होता है आपको युक्सो मतलब पत्नी, गाइनो मतलब औरत, युक्सो में युक्सोरियस लगा, युक्सोरियस एक वर्ड है, तो युक्सो मतलब पत्नी और यस रिलेटेड है गुलाम से, तो अपनी खुद की पत्नी का गुलाम जिसको जोरू का गुलाम कहा जाता है, तो वो वर्ड क्या बनेगा युक्सोरियस बनेगा। माय डियर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से थोड़ा सा वर्ड से हम कितना सारा वर्ड मीनिंग बनाया जा सकता है। अगर इतना केवल मेरे पास है रूट वर्ड तो इतना सारा वर्ड मीनिंग बन गया, अगर बहुत सारा रहेगा तो कितना बन जाएगा। तो आप परेशान मत होइए, आप धीरे धीरे करते चलिए मेरे साथ,
आपका रूट वर्ड बहुत अच्छी तरह से एक अच्छा अमाउंट में आपका क्लियर हो जाएगा या आप समझ सकोगे। फिलहाल आज आप इसको उतार लीजिए, आप हो सके तो अपने पेज पे नोट डाउन कर लिया कीजिए या वीडियो को बार बार वर्कशॉप के लिए आप देखा कीजिए, बार बार देखा कीजिए, ऑनलाइन देखिए, ऑफलाइन देखिए, आपको जैसे भी इच्छा हो देखिए, बट इसको कीजिए जी। आपको क्या करना है माइडिया, केवल ये ही तो लिखना है बस। केवल अगर आपको रूट वर्ड याद है आप लिख के घर पे टांग दीजिएगा, जहां पे पढ़ाई करते हैं वहां पे जितना भी रूट वर्ड आपको बताएंगे टांगते चलिएगा, तो आपको धीरे धीरे देखिएगा तो बहुत एक कलेक्शन हो जाएगा, आपका एक लंबा चार्ट बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से माइडियर वर्ड मीनिंग कर सकते हैं, हंसते खेलते सीख सकते हैं और सिखाया जा सकता है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, आप सभी को धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और एक चीज और माइडियर, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके राइट साइड में जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बगल में बेल बटन भी होगा, उस पर क्लिक करके बेल बटन को अगर आप क्लिक नहीं करोगे नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा, तो सब्सक्राइब करने का न करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। और ये बिल्कुल फ्री है, बिना कोई कॉस्ट का है अभी, तो आप इसका भरपूर फायदा उठाइए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।